हेलो एवरीवन वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस इन दिस वीडियो डिस्कस द न्यूजपेपर एनालिसिस ऑफ ट्वेंटी ऑफ नवंबर 2020 आज के न्यूजपेपर में लेट अस सी व्हिच न्यूज यू हैव टू रीड स्टार्टिंग फ्रॉम द हिंदू ऑन द फ्रंट पेज जीडीपी डी पी कॉन्ट्रैक्ट सेवन परसेंट इन सेकेंड क्वार्टर द जी कॉन्ट्रैक्ट हो गई है क्वार्टर ऑफ यानी कि

ये वाली न्यूज का आपको बस बैकग्राउंड पता होना चाहिए वट आर दोज़ फार्मर व्हाट आर दोज़ लॉज उनमें क्या क्या प्रोविजन हैं ए पी एम सी एक्ट के बारे में क्या प्रोविजन हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस के बारे में क्या प्रोविजन हैं और इसका क्रिटिसिज्म जो है वो क्या है सो ऑल ऑल दैट यू हैव टू नो तो ये काफी हमारी कंटिन्यूइंग एक चेन की तरह ये न्यूज चल रही है उसके बाद जंप टू पेज नंबर फाइव सो ऑन पेज नंबर फाइव ऑफ द हिंदू टूडे जो न्यूज है जी एम आर टी एकॉर्डेड प्रेस्टीजियस आई ट्रिपल ई माइल स्टोन स्टेटस इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज इतनी इंपॉर्टेंट न्यूज है ये दैट यू कैन इवन कट इट इसको इसकी कटिंग करके यू कैन कीप इट इन योर साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्शन तो दिस इज दर्ड डिस्टिंक्शन बाय द वर्ल्ड हाइएस्ट इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग प्रोफेशनल बॉडी दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे प्रोमिनेंट यूएस बेस्ड इंस्टीट्यूट है इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स आई ट्रिपल ई इसने इंडिया के जी यानी कि मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप को माइल का स्टेटस दिया है यानी कि इट्स अ टेक्नोलॉजिकल माइल एक बहुत बड़ी बात है इंडिया के लिए इट्स अ ग्रेट ऑनर और ये तीसरी बार ऑनर दिया गया है इंडिया को पहली बार ये ऑनर दिया गया था 1895 में 1895 में जो जेसी बोस ने रिसेप्शन ऑफ रेडियो वेव्स के बारे में इन्वेंशन की थी उसे 2012 में रिकोगनाइज किया गया और दूसरा जो सर सीवी रमन ने स्कैटरिंग ऑफ लाइट का फिनोमिनन डिस्कवर किया था उसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिला था 1930 में दैट वाज द सेकंड माइलस्टोन टू बी रिकोगनाइज तो पहला कॉन्ट्रीब्यूशन सर जे बोस की और दूसरी सर सी रमन की दीज आर द टू माइल स्टोन बाई आई ट्रिपली और अब तीसरा है जाइंट वेव रेडियो टेलीस्कोप जीएमआर जो कि पुणे में सिचुएटेड है तो इसे आई ट्रिपल ई ने माइल स्टोन का स्टेटस दिया है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज साइंस एंड टेक्नोलॉजी में यू कैनॉट मिस इट काफी इंपॉर्टेंट ये न्यूज है आपको अच्छे से ये पढ़नी है एंड एट दिस योर साइंस एंड टेक सेक्शन देन ऑन टू पेज नंबर सिक्स एडिटोरियल टेक टैक्ट जो लेफ्ट साइड पर एडिटोरियल है इंडिया मस्ट स्टिक टू अ रूल्स बेस्ड अप्रोच इन रेगुलेटिंग द इंटरनेट तो रिसेंटली इंडिया ने चाइनीज ऐप्स बैन की हैं पहले भी की थी अभी दो दिन पहले दोबारा से ऐप्स बैन की गई हैं तो इस पूरे के पूरे एडिटोरियल में यही डिस्कस किया गया है कि इस तरह से जब भी हम प्रोटेक्शनिज्म की तरफ जा रहे हैं तो हमें ये बस ध्यान रखना चाहिए कि ये चीज़ें आउट ऑफ वेंजियंस या इलॉजिकल तरीके से ना की जाएं देर शुड बी अ रू, रूल्स बेस्ड अप्रोच क्योंकि ऐसा ही अगर हमने बिना रूल्स बेस्ड अप्रोच के ऐसा कुछ किया तो ऐसा ही एक्शन इंडिया के अगेंस्ट भी कोई कंट्री कर सकती है

उसको इनफैक्ट इंडिया इज़ वन ऑफ इंडिया इज़ होम टू वन ऑफ द मोस्ट हंग्री पीपल इन द वर्ल्ड अफ्रीका के बाद सेकेंड नंबर पर साउथ एशिया का नंबर आता है और उसमें इंडिया इज़ वन ऑफ दोज कंट्रीज वेयर मोस्ट माल नरिश्ड पीपल आर द तो उसे ठीक करने के लिए बहुत सारी इसमें सजेशंस दिए गए हैं जैसे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को यूनिवर्सलाइज किया जा सकता है फूड आइटम्स जो डिस्ट्रीब्यूट की जाती है उनकी क्वालिटी इंप्रूव की जा सकती है कम्युनिटी किचन्स जैसा कि कई स्टेट्स में हो भी रहा है तो इसमें काफी वो सजेशंस हैं जिन्हें आप जरूर इनकल्केट करें अपने मेंस आंसर्स में सो दिस आर्टिकल आल्सो यू हैव टू रीड ऑन दिस पेज दीस आर द टू आर्टिकल्स दैट यू हैव टू रीड देन उसके बाद नेक्स्ट पेजेस पे चलेंगे कम टू पेज नंबर 10 तो पेज नंबर 10 पे सबसे नीचे न्यूज़ है मिजोरम असेंबली स्पीकर डिसक्वालिफाइज लालडू होमा तो मिस्टर लालडू होमा जो हैं ही हैज़ नाउ अर्न द डिस्टिंगशन ऑफ बींग दर्स्ट पर्सन इन इंडिया इंडिया के ये पहले ऐसे इंसान बन गए हैं जो पहले लोकसभा से भी डिसक्वालीफाई हो चुके हैं और अब स्टेट असेंबली से भी डिसक्वालीफाई हो गए हैं सो ही कंटेस्टेड द इलेक्शन एज ए इंडिपेंडेंट लेकिन उसके बाद इन्होंने एक पार्टी ज्वाइन कर ली जो कि डिसक्वालिफिकेशन का एक क्राइटेरिया है सो अंडर द प्रोविजन्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फिफ्टी सेकेंड अमेंडमेंट से एंटी डिफेक्शन लॉ जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया था उसके अलावा भी बहुत सारे डिसक्वालीफिकेशन uh, के तरीके जो हैं कॉन्स्टिट्यूशन में मैंशनड हैं तो कोई भी कैंडिडेट चाहे वो लोकसभा का है चाहे वो किसी स्टेट लेजिस्लेचर हाउस का है अगर वो एज एन इंडिपेंडेंट इलेक्शन कंटेस्ट करता है और उसके बाद किसी पार्टी को ज्वाइन कर लेता है देन दैट पर्सन इज डिसक्वालिफाइड फ्राम होल्डिंग दैट सीट और यही कुछ किया मिस्टर लालडू होमा ने इन्होंने पहले तो इंडिपेंडेंट की तरह इलेक्शन कंटेस्ट किया उसके बाद इन्होंने एक पार्टी ज्वाइन कर ली जोरम पीपल्स मूवमेंट जेड इस वजह से ये डिसक्वालीफाई हो गए हैं और इससे पहले ये लोकसभा से भी डिस्कवालीफाई हो चुके हैं तो ये भी न्यूज इंपॉर्टेंट है प्लस यू शुड नो द ग्राउंड फॉर डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एन एम पी एंड एन एम एल एंड हैज द पावर टू डू दैट इनको डिसक्वालीफाई करने की पावर दो तरह से डिवाइडेड है अगर हम एम की बात करें तो अगर वो डिफेक्शन के बेस पर डिस्कालीफाई हो रहे हैं तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस इज द डिसाइडिंग अथॉरिटी लेकिन अगर वो किसी और ग्राउंड पे डिसक्वालीफाई हो रहे हैं देन द प्रेडेंट ऑफ इंडिया इज द डिसाइडिंग अथॉरिटी विद सजेशन फ्रॉम द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और स्टेट के केस में दिस पावर इन केस ऑफ डिफेक्शन इज विद द प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस जो कि लेजिस्लेटिव असेंबली के केस में स्पीकर होता है तो स्पीकर डिसाइड करता है कि डिफेक्शन के केस में उसे डिस्कवालीफाई किया जाए या नहीं और किसी और ग्राउंड पे डिस्कालीफाई करना हो देन इट इज द प्रिविलेज ऑफ द गवर्नर ऑफ द स्टेट इन कंसल्टेशन विद इलेक्शन कमीशन तो ये कुछ प्रोविजन आपको ध्यान में रखनी है देन देन आर पेजेस नो नीड टू रीड ऑन द वर्ल्ड पेज टॉप इरानियन न्यूक्लियर साइंटिस्ट किल्ड तो रिसेंटली वेस्ट एशिया पीस प्लान जो है वो इफेक्ट में आया है इसराइल के साथ काफी सारी कंट्रीज के रिलेशन अच्छे हुए हैं ऐसे में अभी ईरान के एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट की असेसिनेशन हुई है उन्हें मार दिया गया है सो नाउ देर इज अ चांस दैट मिडल ईस्ट सिचुएशन में टर्न अबिट एक्रीमोनियस तो ये वाली न्यूज आपको पढ़नी है फॉर योर अंडरस्टैंडिंग सो दैट यू गेट टू नो कि वेस्ट एशिया में क्या चल रहा है वेस्ट एशिया सेंट्रल एशिया में क्या चल रहा है दिस इज एन इंपॉर्टेंट न्यूज़ फॉर दैट पेज नंबर फोर्टीन बिजनेस पेज पे दो न्यूज इंपॉर्टेंट है कोर सेक्टर कॉन्ट्रैक्शन वाइडेंस टू टू पॉइंट फाइव परसेंट कोर सेक्टर जो है इंडिया का उसकी कॉन्ट्रैक्शन यानी कि और ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो गया है सिकुड़ गया है और ज़्यादा छोटा हो गया है उसकी जो ग्रोथ है टू पॉइंट फाइव परसेंट कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और इसमें आठ मेन इंडस्ट्रीज आती हैं क्रूड ऑयल कोल पेट्रोलियम रिफाइनरी नेचुरल गैस इलेक्ट्रिसिटी सीमेंट फर्टिलाइजर ये सारे जो आठ इंडस्ट्रीज़ हैं ये कोर सेक्टर इंडस्ट्रीज हैं और ये 2.5 पॉइंट परसेंट कॉन्ट्रैक्ट हुई हैं दूसरी न्यूज है फिजिकल डेफिसिट रीच इज वन परसेंट ऑफ एनुअल टारगेट तो राइट साइड पे जो न्यूज है फिजिकल डेफिसिट रीच इज वन ऑफ एनुअल टारगेट ये भी न्यूज इंपॉर्टेंट है यूजली एक साल का जितना भी एक फाइनेंशियल ईयर का जितना भी फिजिकल डेफिसिट का टारगेट होता है वो हंड्रेड परसेंट क्रॉस करता है अराउंड द मंथ ऑफ नवंबर मिड और नवंबर एंड

मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज पेपर विच इज द इंडियन एक्सप्रेस इंडियन एक्सप्रेस पे हम एक्सप्लेन पेज पे चलेंगे डायरेक्टली बिकॉज ऑल और मोस्ट ऑफ द अदर न्यूज आर रिपीटेड ऑन द एक्सप्ले पेज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल कोस्टल सिक्योरिटी आफ्टर ट्वेंटी सिक्स इलेवन तो छब्बीस ग्यारह दो हजार आठ का जो हमला हुआ था मुंबई में ऑन द ताज होटल दॉय होटल छत्रपति शिवाजी टर्मिनस स्टेशन पूरे मुंबई में जो टेररिस्ट अटैक हुआ था उसके बाद से कोस्टल सिक्योरिटी में क्या क्या चेंजेस आए हैं इसके ऊपर ये आर्टिकल है कोस्टल सिक्योरिटी बिकॉज उस टाइम पे वो जो टेररिस्ट थे दे केम थ्रू सी तो वो कराची से पाकिस्तान से थ्रू बोट जो है वो मुंबई कोस्ट तक आए थे थ्रू द अरेबियन सी तो इस वजह से जो कोस्टल सिक्योरिटी है उसके ऊपर क्वेश्चन खड़े हो गए थे द कोस्ट गार्ड इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट तो उसमें क्या क्या चेंजेस आए हैं इसके ऊपर ये आर्टिकल है काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है मीन में आपकी जो सिक्योरिटी है उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट है वैसे भी कोस्टल सिक्योरिटी से ज्यादा कुछ पूछा नहीं गया है सो दिस ईयर इट मे गेट गस्क तो कोस्टल सिक्योरिटी के ऊपर ये काफी इंपॉर्टेंट आपका आर्टिकल है जो आपको पढ़ना है सेकेंडली इंडिया पुश फॉर जेंडर इक्विटी इन साइंस अगेन आज साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ये दूसरी ऐसी न्यूज है जिसकी आप कटिंग कर सकते हैं तो जेंडर इक्विटी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इंडिया कैसे इंश्योर कर रहा है क्या क्या करने की कोशिश कर रहा है इसमें वो सब लिखा हुआ है इस तरह के प्रोग्राम की जरूरत क्या है वो पायलट प्रोजेक्ट क्या है जो लॉन्च किया गया है एथेना स्वान उसका नाम है तो ये आप कटिंग करके रख सकते हैं डायरेक्टली कई बार मेंस में क्वेश्चन पूछ ले जाता है द इशू ऑफ जेंडर इक्वालिटी इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्टर बिकॉज अ वेरी लेस नंबर ऑफ वेमेन आर देयर हु रिप्रेजेंट इंडिया इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी तो काफी अच्छा आर्टिकल है उस एस्पेक्ट से उसके बाद आपका पेज नंबर सिक्सटीन एडिटोरियल पेज टॉक टू द फार्मर तो इसमें जस्ट यही बताया गया है कि फार्मर्स के साथ एंगेज करना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट को बिकॉज दे आर प्रोटेस्टिंग तो इसको आप वहीं उस न्यूज के साथ ऐड कर लेंगे जहां आप फार्म बिल्स के बारे में कर रहे हैं सेकंड रीचिंग आउट ये जो लेफ्ट साइड पे आर्टिकल है रीचिंग आउट इसमें ये बताया गया है कि इंडिया अपने नेबरहुड के साथ रिलेशन को निगलेक्ट कर रहा है दैट नो डाउट इंडिया एंड इंडियन रिप्रजेंटेटिव आर रीचिंग आउट टू कंट्रीज विच आर फार अवे लेकिन अपने नेबरहुड में एक अच्छा रिलेशनशिप बनाने की कोशिश इंडिया की होनी चाहिए चाहे वो पाकिस्तान हो नेपाल हो या चाइना हो श्रीलंका हो म्यांमार हो ऑल दीज कंट्रीज इंडिया नीड्स टू हैव गुड रिलेशन जो कि पिछले कुछ वक्त से खराब चल रहे हैं ड्यू टू वन रीजन ऑफ दी अदर सो ऑल दीज आर द इम्पॉर्टेंट न्यूज दैट यू हैव टू रीड फ्रॉम दीज टू न्यूज पेपर्स टूडे थैंक यू एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड डो नॉट फोरगेट टू प्रेस द बेल आइकन इफ यू वॉन्ट टू हैव दिस नोटिफिकेशन एवरी डे सो नाउ गो एंड रीड ऑल दिस न्यूज थैंक यू and have a nice day.